हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीपीएससी की तरफ से होने वाले जो टीचर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें एक पेपर है उर्दू का, जो कि इम्पॉर्टेंट पेपर है और कंपलसरी पेपर भी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उर्दू का ग्रामर को शुरू कर रहे हैं पार्ट वन से, और ये कंटिन्यू पार्ट वन पार्ट टू, ये पूरा बुक आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और किसी भी किस्म का उर्दू का नोट्स या किसी भी किस्म का अगर गाइडलाइन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उर्दू के लिए मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग के लिए वीडियो शुरू किया जाए। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे उर्दू कवायद। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं उर्दू का जो लिटरेचर्स का जो पोर्शन है, वो पोर्शंस मैंने पार्ट वन अपलोड कर दिया है, और डेली एक वीडियो ग्रामर का और एक वीडियो लिटरेचर्स का अपलोड किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को फॉलो करें और अपने प्रिपरेशंस को अच्छी तरीके से बूस्ट करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले देख सकते हैं कवायद, ओके, उर्दू के ग्रामर्स के बारे में। तो कवायद किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ क्या है? तो ज़ुबान को बोलने और सीखने के लिए कुछ उसूल या फिर कवायद की जानकारी ज़रूरी है, ओके, एंड स्पेशली उर्दू ज़ुबान को सही तरीक़े से बोलने या लिखने या पढ़ने के लिए कुछ उसूल, कुछ जाबते, कुछ कानून होते हैं, उसी का नाम है कवायद, ओके। तो इन्हीं उसूल और कवायद की पाबंदी को कवायद या ग्रामर कहते हैं, ओके, वेरी इजी। इसके बाद उर्दू कवायद को जानने के लिए कुछ उलूम का होना बेहद ज़रूरी है, ओके, उर्दू का ग्रामर जानने के लिए कुछ बेसिक्स उलूम का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह उर्दू कवायद के पाँच उलूम पर मुनहसर है, उर्दू कवायद के पाँच उलूम पर मुनहसर है, यानी पाँच उलूम पर डिपेंड है, यानी उर्दू कवायद को जानने के लिए पाँच उलूम, यानी इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बयान और इल्म उरूज को जानना ज़रूरी है, जिसको हम बिलतरतीब लिखते हैं या आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ओके। तो उर्दू कवायद के पांच टाइप्स आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें है इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बयान और इल्म उरूज, ओके। तो यह है उर्दू का बेसिक्स ग्रामर। अब हम लोग देख लेते हैं इल्म हिज्जा, ये बहुत अच्छा नोट्स है, ये वन लाइनर के फॉर्म में है और बहुत ही सूटेबल और मुनासिब, समझने में बिल्कुल इजी होगा। किसी भी किस्म का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर और भी डीपली जानना हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट या कॉल भी कर सकते हैं अगर कुछ पूछना हो तो। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उर्दू कवायद का जो सबसे पहला पोर्शन है इल्म हिज्जा, ओके, इल्म हिज्जा, हरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करना, इसी जानकारी का नाम इल्म हिज्जा है, यानी हरूफ को अलग करके पार्ट करके, यानी हरूफ को डिफरेंट करके, अलग करके, तो जहाँ पे हम लोग सीखते हैं उसी का नाम है इल्म हिज्जा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इल्म, तो इल्म को अगर हम अलग करेंगे तो आइन प्लस लाम प्लस मीम, तो ऐसे जानकारी को इल्म हिज्जा कहते हैं। नोट, जिन हरूफ से कोई ज़ुबान बनती है वह हरूफ हिज्जा है, वेरी इजी, यानी जिस हरूफ से कोई ज़ुबान, कोई नया लैंग्वेज फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं इल्म हिज्जा, उनको ही हरूफ तहज़ी भी कहते हैं। इसके बाद उर्दू में हरूफ तहज़ी की तादाद, ओके, और ये वेरी करता है अलग अलग, अगर बिहार में है तो यह 37 या 38 इल्म हिज्जा, यानी उर्दू अल्फ़ाबेट्स माना जाता है, बंगाल में है तो यह 37 या कहीं पे प्लस 15 जो मरकबात हरूफ है उसको भी इंक्लूड करके जोड़ा जाता है। तो ऐसे सिर्फ इल्म हरूफ तहज़ी की तादाद 36 है और अरबी में हरूफ तहज़ी की तादाद 28 है, ओके। तो इस बार बिहार में अरबी और पर्शियन का भी निकला हुआ है वैकेंसी, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं अरबी के टोटल 28 हरूफ तहज़ी हैं। इन हरूफ तहज़ी को मुफर्रद हरूफ, ओके, यानी अलीफ से लेकर या तक अगर अलग अलग लिखे रहेंगे, अलीफ बे ते से, तो इस तरह अलग अलग लिख रहेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं हरूफ तहज़ी, ओके, और ये डिफरेंट यानी अलग अलग है। इन पूरे कलेक्शंस को हम लोग अल्फ़ाबेट्स या हरूफ तहज़ी कहते हैं, और इन हरूफ मुफर्रदा के अलावा कुछ हरूफ मुरक्कब भी हैं जिनकी तादाद 14 हैं, ओके। जैसे कुछ हरूफ है जो जिस हिंदी के कुछ अल्फाज जुड़े हुए हैं, बा और दुचस्मी है तो हो गया भ, तो ये उर्दू में टोटल 14 हैं, ओके, तो ऐसे करके 36 और 14 तो टोटल 50 लेटर्स हैं, ओके, या कहीं पे अलग करके या कहीं पे यकजा करके जोड़ा जाता है,
तो 51 या 52 या 50 उर्दू के हरूफ तहजीब, ये वैरी करता है। ओके, तो इस लिहाज से उर्दू के कुल हरूफ 50 हो गए। ओके, तो उर्दू हरूफ की तकसीम बनावट के लिहाज से हरूफ की दो किस्में हैं। फिर अब ये हरूफ हो गया 50, अब हरूफ को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक मुफर्रद और एक मुरक्कब। ओके, यानी अलिफ बे पे ते अगर अलग लिखा है तो इसको मुफर्रद हरूफ बोलेंगे, और अगर ये बे प्लस दो चश्मी है करके लिखा हुआ है तो इसको भाव पढ़ेंगे, ये है मुरक्कब हरूफ। ओके, तो मुफर्रद हरूफ जैसे देख सकते हैं अलिफ से लेकर ये तक मुफर्रद हरूफ कहलाते हैं, इनकी तादाद 36 है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुफर्रद हरूफ कौन कौन सा है, मुफर्रद हरूफ यह है अलिफ, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे अड़े जे झे सीन शीन स्वाद द्वा तो जो आइन गैन फे क़ाफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे छोटी ये बड़ी है। तो इस तरह ये टोटल 36 हैं और 14 आपको हैं मुरक्कब हरूफ जो कि मिला के हो गए 50। अब मुरक्कब हरूफ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बे में बे प्लस दो चश्मी है, इसको जोड़ के बना दिया गया भ। इसी तरह है भ फ त ठ झ छ ध ढ अड़ ख घ ल म न। ओके, तो इस तरह कुल मिलाकर के 50 हुए। तो इन हरूफ मुरक्कब को हाकारी हरूफ भी कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस पूछा गया एमपी टेट में हाकारी हरूफ, या बिहार टेट में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था हाकारी हरूफ किसे कहते हैं, तो मुरक्कब हरूफ को ही हाकारी हरूफ कहते हैं। तो तमाम हरूफ मुफर्रद और मुरक्कब की तादाद 50 है बी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हरूफ मुफर्रद की तकसीम, तो मुफर्रद हरूफ की तकसीम किया गया है, तो हरूफ मुफर्रद की तकसीम दो किस्में हैं, हरूफ मुफर्रद की दो किस्में हैं, हरूफ इल्लत और हरूफ सही। ओके, यानी मुफर्रद हरूफ की दो किस्में हैं, एक है हरूफ इल्लत यानी जिसको इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं, जिस तरह अंग्रेजी में 5 वॉवल्स होता है उसी तरह उर्दू में भी 3 वॉवल्स होता है, आप लोग याद रखिएगा। और हरूफ सही वॉवल के अलावा जितने सारे हरूफ हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट, तो इसी को हरूफ़ उर्दू में हरूफ़ सही कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो उर्दू में मुफर्रद हरूफ को दो हिस्सों में तकसीम किया, हरूफ़ इल्लत यानी वॉवल्स और हरूफ़ सही यानी कॉन्सोनेंट। और उर्दू में हरूफ़ इल्लत की जो तादाद है 3 है, अलिफ वाव और या, वेरी इंपॉर्टेंट। उर्दू में हरूफ़ इल्लत की तादाद 3 है, अलिफ वाव और या, और अलिफ है वाव है और या, और ये 3 लैंग्वेज का उर्दू पर्शियंस और अरबिक लैंग्वेज का भी ये वॉवल्स है अलिफ वाव और या, तो इनको हरूफ इल्लत कहते हैं। बाकी जितने सारे हरूफ हैं उन सबको हरूफ सही, हरूफ सही उन हरूफ इल्लत के अलावा बाकी तमाम हरूफ को हरूफ सही कहते हैं। ओके, इसके बाद नोट है यहाँ पे कुछ, जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि अरबी में हरूफ की तादाद 28 है, इन हरूफ के मजमुआ को हरूफ अबजद भी कहा जाता है। तो अरबी का 28 हरूफ को कलेक्शंस को मिलाकर के अबजदी यानी अबजद हरूफ भी कहते हैं, वह है अबजद हाउस हत्ता कलमन सफास करशस सखज जज खज, इसमें से अलिफ को छोड़कर बाकी तमाम हरूफ तहजी की भी है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस अबाउट द उर्दू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उर्दू के कुछ और बेसिक्स, हरूफ शमसी कमरी और एराब किसे कहते हैं, जज़म यानी उर्दू के जो बेसिक सिंबल हैं जिससे हरूफ यानी जिसको हरकत कहते हैं, या कुछ ऐसा निशान लगा दिया जाता है हरूफ के ऊपर जिससे उसको पढ़ने में बिल्कुल आसानी होती है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी तरह उर्दू का और अंग्रेज़ी का भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डाला जाएगा। जीएस का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस हो या ज्योग्राफी हो जीएस पोर्शंस में, और इंग्लिश का भी कुछ वीडियो आसान करके डाला जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।